बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम लिंक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह लिंक्स की डिफरेंट स्टेट्स पे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ डायरेक्ट्री में हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, css.links.html। और सबसे पहले डेफिनेटली हम अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, डॉक टाइप html, html start, inside head tag we have a title tag, so title दे देते हैं इसको हम link properties in css, then here we are going to have our body section, और यहाँ पे हम h3 ऐड कर लेते हैं, link properties in CSS। इसको हम सेव करते हैं और अपनी डायरेक्ट्री में प्रीव्यू कर लेते हैं, सॉरी इसको हम अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। देयर वी गो, करेंटली हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट एक हेडिंग ऐड की है, लिंक प्रॉपर्टीज इन CSS। हमने लिंक्स की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। लिंक्स स्पेसिफिकली हम एंकर टैग को कहते हैं और उसकी हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। सो उन स्टेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिंक्स ऐड कर लेते हैं। एंकर टैग ए से स्टार्ट होता है और ए पे क्लोज होता है, और यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं #link1। ओके, ये डमी लिंक है, ये लिंक अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एरर आ जाएगा, link1। इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, link2, link3 एंड link4। हमारे पास लिंक्स की जो स्टेट्स हैं वो भी चार हैं, सो हम इन चार लिंक्स के थ्रू उन डिफरेंट स्टेट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। देयर वी गो, link1, link2, link3 एंड link4। करंटली आपने देखा कि जितने भी लिंक्स हैं वो अंडरलाइंड हैं और वो ब्लू कलर में हैं, सो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम इन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करेंगे डेफिनेटली। सो हेड में हम यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करेंगे, और स्टाइल टैग ऐड करने के बाद हम अपने लिंक्स को टारगेट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इनका कलर चेंज कर देते हैं, कलर लेट से डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ग्रीन होगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ग्रीन आ चुका है। उसके बाद ये जो अंडरलाइंड हैं इनको हम ख़त्म करते हैं कि अंडरलाइन ना हो। सो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं तो जितनी भी डेकोरेशन थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपनी लिंक्स की स्टेट्स की तरफ। हमारी लिंक की चार स्टेट्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्टेट, उसे लिंक ही कहते हैं। फिर एक होती है विजिटेड स्टेट, कि जब कोई आपके लिंक पे क्लिक कर दे तो आपका लिंक जो है वो विजिटेड हो जाता है, सो ये विजिटेड स्टेट होती है। थर्ड होती है हवर स्टेट, जब भी आप एरो को लिंक के ऊपर ले जाएं तो वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, सो इसको कहते हैं ये हवर स्टेट है लिंक की। और फोर्थ जो है वो एक्टिव स्टेट होती है, एक्टिव स्टेट मीन कि आपने लिंक पे प्रेस किया हुआ है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने अभी लिंक को प्रेस किया हुआ है तो ये लिंक अब एक्टिव हो गया है। सो ये चार स्टेट्स होती हैं, इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो स्टेट है वो है लिंक की, लिंक स्टेट। ओके, जो स्टेट्स हैं उनको कैसे टारगेट करते हैं, हम अपने एंकर टैग को लिखते हैं और कॉलन के थ्रू हम लिंक ऐड करते हैं। ओके, कॉलन लिंक, हम लिंक स्टेट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से करेंगे कट और यहाँ कर देंगे पेस्ट। सेव करते हैं और अपर सेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, सो अब हम वन बाय वन हम लिंक्स को टारगेट करेंगे, तो हम इन सारी लिंक्स को एक आईडी दे देते हैं, आईडी link1, और इसको कहते हैं link2, इसको 3 एंड इसको 4। रिफ्रेश, करेंटली कोई हमने प्रॉपर्टी सेपरेटली ऐड नहीं की है तो कोई डिफरेंस हमें फील नहीं होगा। यहाँ पे हम link1 को टारगेट करते हैं, आईडी को हम हाई से टारगेट करते हैं link1, और इसकी हम हवर स्टेट को टारगेट करेंगे। ओके, हवर स्टेट, जब हम इस पे एरो को लेके जाएं, माउस को लेके जाएं, तो इसमें क्या चेंजेस आएँ, तो हम किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, लाइक हम कलर को चेंज कर सकते हैं, लेट्स से टोमेटो कलर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो लिंक वन पे जैसे ही मैं हवर करूँगा
ये टोमेटो कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि लिंक 2, 3, 4 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली इसी लिंक को टारगेट किया है। अगर मैं लिंक 2 के लिए यही प्रॉपर्टी कॉपी करूँ लिंक 2 और इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, लेट्स से ग्रे, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसका कलर ग्रे हो जाएगा। इस तरह हम इंडिविजुअली भी टारगेट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हमने सारे लिंक्स पे टारगेट करना है तो जस्ट हमें यहाँ पे एंकर टैग ऐड करना है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करना है, रिफ्रेश करना है। तो अब मैं जितनों पे भी हवर कर रहा हूँ वो सारे के सारे ग्रे हो रहे हैं, तो मैं इनको अनडू कर देता हूँ, सॉरी, लाइक दिस, रिफ्रेश, इस तरह। और हम इनकी अंडरलाइन भी वापस ला सकते हैं, लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, सेव, रिफ्रेश। सो अब जैसे ही मैं लिंक 2 पे हवर करूँगा तो एक तो ये ग्रे होगा और दूसरा ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। इस तरह हम और प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, जैसे ही हम लिंक पे हवर करें तो हमारा जो लिंक है वो बोल्ड हो जाए। सो इस तरह हम डिफरेंट स्टेट्स पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास लिंक की, वो है विजिटेड स्टेट। अच्छा, विजिटेड स्टेट से पहले हम एक्टिव स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव स्टेट क्या होती है? जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और अभी आप अपना क्लिक छोड़ते नहीं हैं, तो वो जो स्टेट होती है जिसमें आपने उस लिंक को होल्ड किया होता है थ्रू योर क्लिक, वो स्टेट होती है एक्टिव स्टेट। लाइक अगर हम सारे लिंक्स को टारगेट करें ए डॉट एक्टिव, और एक्टिव स्टेट में हम लेट से कलर को चेंज करते हैं जस्ट, और कलर को कह देते हैं लेट से ब्लू, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं लिंक 4 पे आता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, सो अब ये जो स्टेट है ये एक्टिव स्टेट आ गई है। इससे पहले अगर आपने देखा हो, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, सेव, रिफ्रेश, तो एक्टिव स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है, बट देर इज़ नो डिफरेंस। जैसे ही मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। डजंट मैटर कि मैं किस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने जेनेरिकली ऑल एंकर टैग्स को टारगेट किया है, सो मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लाइक लिंक 3, लिंक 4, ओके, लिंक 2 नहीं हुआ क्योंकि लिंक 2 को हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है, और लिंक 1 भी नहीं हुआ क्योंकि हमने इन दोनों को स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है। तो इनके लिए हमें अलहदा से इनकी स्टेट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। एक्टिव स्टेट पे इसके साथ क्या हो, लेट्स से कलर ब्लू, सेव एंड रिफ्रेश। सो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और इस तरह ये प्रॉपर्टी सेपरेटली डिफाइन करने की बजाय हम इसके नाम को कॉपी करके, इसका जो सिलेक्टर है उसको कॉपी करके यहाँ कॉमा के साथ ऐड कर सकते हैं कि जेनेरिक लिंक पे भी ये अप्लाई हो, लिंक 2 पे भी ये अप्लाई हो। सो रिफ्रेश, सो अब लिंक 2 पे भी ये अप्लाई होगी, लिंक 1 पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसको हमने टारगेट नहीं किया। सो कॉमा डाल के हम लिंक 1 को भी टारगेट कर लेते हैं, लिंक 1, एक्टिव, सेव एंड रिफ्रेश। सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी एक्टिव स्टेट में ये ब्लू हो जाएगा, बट जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब हम किसी लिंक को ओपन करते हैं, लेट्स से हम लिंक 1 को ओपन करते हैं। ओपन किया मैंने इसे, डेफिनेटली ये लिंक तो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सिस्टम में, तो हम बैक जाते हैं, बैक जाके हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जो हमारा लिंक 1 है वो विजिट हो चुका है, ठीक है, उसको विजिट कर लिया गया है, चाहे आप इसे ओपन इन न्यू टैब कर लें, अब भी ये विजिट कर लिया गया है, बट इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की। इसको कहते हैं कि ये लिंक विजिटेड हो गया है। जब किसी ने आपके लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका लिंक जो है वो विजिट हो चुका है, और इसकी स्टेट को आप सेपरेटली टारगेट कर सकते हैं। लाइक हम लिंक 1 को टारगेट करते हैं, लिंक 1, विजिटेड स्टेट। ओके, लिंक 1 विजिटेड स्टेट में क्या हो, लेट्स से फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, सेव, रिफ्रेश। लिंक 1 पे हम क्लिक करते हैं और इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं। अब ये जो लिंक है ये विजिट हो चुका है, बट स्टिल इसकी जो स्टेट है, इसमें हमने फॉन्ट वेट को बोल्ड किया था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो फाइल हमने एक्सेस करने की कोशिश की है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। सो सबसे पहले हमें वो फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्टरी में। लेट्स से हम यहाँ ही किसी फाइल पे टारगेट कर देते हैं इसको, किसी भी फाइल पे। सो इसको हम चेंज करते हैं और लेट्स से हम इस फाइल को टारगेट कर रहे हैं, सेव एंड रिफ्रेश। इसे हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, इसे मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि जो लिंक 1 का विजिटेड कलर है
वो ब्लू हो गया है, हालांकि लिंक वन का जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर था वो ब्लू नहीं था। इसने फ़ोन की प्रॉपर्टी को पिक नहीं किया। ओके, कलर को हम मैनिपुलेट करके देखते हैं। लेट से स्काई ब्लू कलर, सेव, रिफ्रेश, तो इसका कलर स्काई ब्लू हो गया। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर द फोन वेट, मैं इसको चेक करूँगा एंड डेफिनेटली एड इन कमेंट सेक्शन, बट या इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं विजिटेड स्टेट पे। ओके, अभी हमने लिंक टू के लिए नहीं ऐड किया, थ्री के लिए नहीं ऐड किया, फोर के लिए नहीं ऐड किया। अगर मैं लिंक थ्री को ओपन करता हूँ न्यू टैब में, इसको रिफ्रेश करता हूँ, डेफिनेटली ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डेफिनेट पाथ इसको असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से 12, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको लिंक थ्री को ओपन करते हैं। लिंक थ्री जैसे ही हमने ओपन कर लिया और वो एक्सेस हो गया, सो अब क्या है कि इसकी जो विजिटेड स्टेट है उसमें इसका कलर ब्लू हो चुका है, तो हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइक लिंक थ्री विजिटेड एंड कलर, कोई भी हम कलर असाइन कर सकते हैं इसको। लेट्स से 666, इट्स अ ग्रे कलर अगेन, सो ये ग्रे में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, आप इसको रेड कलर भी साइन कर सकते हैं, रेड हो गया। सो ये थी लिंक्स की चार स्टेट्स जो कि काफ़ी यूज़फुल होती हैं। एक्चुअली इससे यूज़र को ईज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि यूज़र को याद रहे कि उसने कौन सा लिंक विज़िट कर लिया है और कौन सा लिंक विज़िट नहीं किया, और ये बहुत हेल्पफुल होती है जब आप किसी भी सर्च इंजन पे काम कर रहे हों स्पेसिफिकली, या फिर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हों और वहाँ पे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हो, तो यूज़र के लिए क्वाइट कन्वीनियंट होता है कि उसे याद रहे उसने कौन सी प्रोडक्ट को व्यू कर लिया और कौन सी प्रोडक्ट को व्यू नहीं किया। सिमिलरली आप इसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ये लिंक्स की चार प्रॉपर्टीज़ थी। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लिंक की प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद हवर स्टेट आती है, विजिटेड लिंक होता है और एक्टिव लिंक होता है। आई होप सो लिंक्स की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।